ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन पता है आपको क्या होता है, प्रोजेक्ट भी पता है क्या होता है, व्हाट इज जीनोम। तो जीनोम इन एक्चुअल क्या है कि द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन आर बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो हमारा पूरा डीएनए है ना, उस डीएनए में सारे जीन्स जो प्रेजेंट है, चाहे कोडिंग है चाहे नॉन कोडिंग है, ठीक है, वो सब जीन्स क्या कहलाते हैं, हमारा जीनोम कहलाते हैं, राइट। तो वो पूरा सेट जीन्स का जो प्रेजेंट है कहाँ पर, हमारे डीएनए पर, वो पूरा का पूरा सेट जीनोम कहलाता है, राइट। ह्यूमन का है तो ह्यूमन जीनोम, किसी और का होगा तो उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम आज जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम को लेकर चलेंगे आज। तो एक प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको आप HGP के नाम से देखते हो, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है HGP। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट क्या चाहते थे कि क्या पता लगाया जाए, तो वो ये चाहते थे कि हमारे डीएनए में जितनी भी सीक्वेंसेस मौजूद हैं वो सब की सब सीक्वेंसेस डिटरमिन कर ली जाए, ठीक है। अब हमारा इतना बड़ा सा डीएनए, और हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, टोटल 23 पेयर्स हैं, ठीक है। तो इतने सारे डीएनए, फिर इतने सारे डीएनए में इतने सारे जीन्स होंगे, उन जीन्स में कितने सारे सीक्वेंसेस होंगे जो कि हमें पता ही नहीं थे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हमें वो सीक्वेंसेस पता लगाने चाहिए, तो टू डिटरमिन द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम या ह्यूमन डीएनए, हमने एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया। अच्छा, अब और क्या क्या करना था यहाँ पर, इन्होंने कहा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ह्यूमन डीएनए में कितने जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इनके इनके अंदाजे से 20,000 to 25,000 या 25 to 30,000 थे, ठीक है, लेकिन इन्हें अभी पता नहीं है। अभी इन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू ये भी पता लगाना है। एक तो वो सीक्वेंसेस भी पता लगाएंगे, उसके बाद वो जीन्स भी पता लगाएंगे कि कौन कौन से जीन्स, और उनके फंक्शंस भी पता लगाएंगे कि कौन कौन से जीन्स किस किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से जीन्स हैं जो प्रोटीन्स फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड ऑल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टू डिटरमिन द सीक्वेंसेस ऑफ बिलियंस ऑफ बेस पेयर्स दैट मेक अप द ह्यूमन डीएनए, जिसमें कोडिंग नॉन कोडिंग दो अप्रोचेस थी। कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि हम सिर्फ कोडिंग पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि नॉन कोडिंग तो अभी तक, अभी भी नॉन कोडिंग की अगर हम बात करें तो अभी तक साइंटिस्ट को नॉन कोडिंग का कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इस पर रिसर्चेस अभी भी चल रही है। तो साइंटिस्ट ने कहा हम ऐसा करते हैं, जो कोडिंग रीजन है ना उनके सीक्वेंसेस पता लगा लेते हैं। तो जो हम पढ़ते हैं ना, AACTTTG एंड ऑल, ये सारे सीक्वेंसेस हम सिर्फ कोडिंग वाले पता कर लेते। लेकिन फिर सेकंड अप्रोच क्या थी कि नहीं, नॉन कोडिंग भी करने चाहिए। फिर एंड में यही डिसाइड हुआ कि कोडिंग नॉन कोडिंग जब कर ही रहे हैं तो दोनों ही कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट, जो लाइक जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि हम ये 13 ईयर्स में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 1990 में हम स्टार्ट करेंगे इसे, और इंशाल्लाह 2003 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ये एस्टिमेटेड टाइम दिया था इन्होंने, ठीक है। और 2003 तक ये कंप्लीट हो भी गया था। सिर्फ एक ही क्रोमोसोम नंबर 1, जो सबसे लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम है हमारा, जिसमें सबसे ज्यादा बेस पेयर्स मौजूद है, वो ही रह गया था, जिसकी वजह से 2 या 3 साल ये एक्सटेंड हुआ था शायद, तो 2006 तक गया था आई गेस, ठीक है। तो डिले हुआ था 3 ईयर्स, लेकिन 2003 तक बाकी सब कंप्लीट हो चुके थे, सिर्फ वो एक ही क्रोमोसोम रह गया था, उसकी बेस पेयर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने अब जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ठीक है। तो बायो इन्फॉर्मेटिव जो है वो पूरी एक डेटाबेस तैयार कर रही थी, पूरा एक बायो इन्फॉर्मेटिव का जो है वो एक सेटअप बनाया गया, जिसमें एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें ये सारे सीक्वेंसेस जो है वो स्टोर करके रखे जाएंगे, ठीक है। इन्हें जो है वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में जो है वो एक जगह पर गैदर किया जाएगा और लिखा जाएगा कि भाई यहाँ कौन कौन से सीक्वेंसेस हैं, कौन कौन सा जीन है, किस किस सीक्वेंस से मिलके बना है, एंड ऑल, ठीक है। इसके अलावा टू इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, ये भी वही बायो इन्फॉर्मेटिव में ही आ जाएगा, कि
जो है वो डेटा को एनालाइज करने के लिए भी जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो टेक्नोलॉजी पर काम किया गया, ठीक है, क्योंकि हमें ये प्रोजेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी भी रिक्वायर्ड थी, तो ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी को भी इनहांस कर रहा था साथ साथ, ठीक है, हमारे वो स्किल्स जो बायोटेक्नोलॉजी के स्किल्स थे उन्हें भी क्या कर रहा था, इनहांस कर रहा था, उन्हें भी मॉडिफाई कर रहा था, ठीक है। तो बहुत से लोग जो है वो उस तरफ काम करना शुरू कर दिए और बहुत से लोगों ने जो है वो इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा और क्या है हमारे पास, ट्रांसफर ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है, कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स सभी इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या हुए थे, इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है, सबने अपने अपने काम किए, हम आगे देखेंगे, मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ उसमें। और क्या हुआ, टू एड्रेस द एथिकल, अच्छा फिर एक कमेटी भी बनाई गई क्योंकि काम हो रहा था ह्यूमन जीनोम पर, तो आपको पता है फिर बहुत सारे एथिकल इश्यूज आते हैं और फिर उनसे जो है वो केटर करने के लिए जाहिर सी बात है पूरी एक कमेटी होनी चाहिए, तो फिर एक कमेटी भी जो है वो बनाई गई जो कि एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज पर जो है वो काम करेगी, और इसका नाम क्या रख दिया गया, ALSI, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में जो भी कोई एथिकल या सोशल इश्यू अराइज हुआ, इस कमेटी ने उसको फिर संभाला आगे जाकर, ठीक। और क्या हुआ, इसके अलावा यहाँ पर जो इनिशिएटिव लिया गया था वो लिया गया था US का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी आया था, ठीक है, इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस, ठीक है, इन दोनों ने मिलके इनिशिएट किया था। उसके बाद फिर अराउंड द ग्लोब बहुत सारे जो कंट्रीज थे वो उनके साथ मिल गए थे, तो वो अभी मैं वीडियो शेयर करूंगी तो उसमें हम पूरा देखेंगे। फिर जो है वो हमारी लाइफ टाइम स्पेन हमने देख लिया कि इन्होंने जो एस्टिमेटेड टाइम दिया था वो 1990 से 2003 तक दिया था, लेकिन ये 3 ईयर्स ऑलमोस्ट डिले हुआ था बिकॉज ऑफ दैट क्रोमोजोम नंबर 1, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो क्रोमोजोम था, यानी क्या सबसे ज्यादा बेस पेयर्स थे जिसमें, ठीक है, तो उसको पता लगाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ऑलमोस्ट 2003 में ये कंप्लीट था। अब जब ये सब कुछ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो फिर आगे इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती थी, क्या मतलब आगे क्या हुई भी, तो उसमें हमारे पास ये है कि हमारी जितनी भी जीन थेरेपीज हैं वो उनमें इम्प्रूवमेंट आ गई, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि कौन सा जीन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन में किस नाइट्रोजिनस बेस में कोई म्यूटेशन आई होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, तो जीन थेरेपी के थ्रू हम उसे ट्रीट कर सकते हैं इजीली अब, ठीक है, जो कि पहले हम नहीं कर पाते थे। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन जीन एंड देयर फंक्शंस, बहुत सारे जीन्स जिनका हमें फंक्शन पता ही नहीं था, हमें वो पता चल गया कि ये जीन है, इसकी टोटल नाइट्रोजिनस बेसिस इतनी है, इन नाइट्रोजिनस बेसिस की सीक्वेंस ये है, ठीक है, और इसका फंक्शन ये है, ये सब कुछ हमें किसने बताया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने बताया। फिर अंडरस्टैंडिंग पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स, यानी कि वो डिसऑर्डर्स जो एक से ज्यादा जीन में डिफेक्ट आने की वजह से होते हैं, ये भी अब हम इजीली जो है वो पढ़ सकते हैं, इजीली हम इसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास कैंसर भी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, एक्सेट्रा, ये सारी पॉलीजेनिक डिजीजेस होती हैं। इसके अलावा इम्प्रूव डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस, बहुत सी जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो हम अब आराम से डायग्नोज कर सकते हैं, वही वाला पॉइंट हो गया खैर ये तो। फिर इम्प्रूव नॉलेज ऑन म्यूटेशन, म्यूटेशन जो पहले जो है वो समझ नहीं आता था कि ठीक है कहाँ पे क्या हुआ होगा एंड ऑल, अब क्योंकि हमें सीक्वेंसेस पता चल गई हैं तो अब म्यूटेशन भी की फील्ड भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हम जो है वो म्यूटेशन की फील्ड में भी काम कर सकते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर ये काम नहीं हो सकता था और इस काम को करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है वो टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव भी हुए, ठीक है, क्योंकि नहीं हो रहा था, हमने कहा अच्छा अब ये कर लेना चाहिए, अब ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, और उससे हुआ ये कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के चक्कर में हमारी बायोटेक्नोलॉजी भी और ज्यादा डेवलप्ड और एडवांस हुई, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी का ये थोड़ा सा हमने इंट्रो लिया है कि इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती थी और गोल्स क्या थे इसके, कि हमें करना क्या था, ये हमने किया कैसे, मेन काम क्या था
कि हमें वो सारे नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के सीक्वेंसेस चाहिए थे जो कि मौजूद है हमारे डीएनए में, चाहे वो कोडिंग हो चाहे वो नॉन कोडिंग हो, राइट? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने जो मेथड यूज किया वो था सैंगर्स मेथड। और सैंगर्स मेथड क्या था वो पहले वीडियो देखते हैं। DNA sequencing is the process of working out the order of the building blocks or bases in a strand of DNA. Before we can sequence the DNA, it has to be cut up into smaller pieces that are inserted into plasmid DNA and then put into bacterial cells. This makes it possible to produce lots and lots of copies of it as the bacterial cells multiply. The DNA is then isolated from the bacteria and sent for sequencing. The isolated DNA is transferred to a plate where the sequencing reaction will take place. A mixture of ingredients is added. These include free DNA bases, A, C, G, T, DNA polymerase enzyme, and DNA primers. Modified DNA bases labeled with colored fluorescent tags are also added. These are called terminator bases. तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो कि हमने सारी चीजें वही डाली हैं यहाँ पर, जो हम आपको याद होगा यूज करते थे। हमने डीएनए प्राइमर्स डाले, ठीक है, हमने फ्री नाइट्रोजनस बेसिस डाली, ठीक है, राइट, हमने डीएनए पॉलीमरेज डाला, हमने वहां टैग पॉलीमरेज यूज किया था, आपको याद होगा, ठीक है, सब चीजें वही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है, वो क्या, वो ये टर्मिनेटर बेसिस, ये बेसिस यही वाली बेसिस हैं जो ये नॉर्मल बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये ग्रीन वाला क्या है, ए, ये वाला, ठीक है, रेड वाला टी, ये येलो वाला नजर आ रहा है आपको, ठीक है, जी। लेकिन हम इसे कह रहे हैं टर्मिनेटर बेस, तो क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहां पर ये वाली बेस जब भी किसी भी सीक्वेंस पे जाकर अटैच हो गई, राइट, वहां पर ये रेप्लिकेशन को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। प्राइमर, आपको पता है प्राइमर अटैच होगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और ये बेसिस अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन बेसिस के साथ साथ अगर कोई टर्मिनेटर बेस आकर अटैच हो जाती है तो वहां पर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के बाद जो सेकेंड स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, वो स्ट्रैंड वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया, टर्मिनेटर बेस कह दिया। क्यों है ऐसा, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये कि हमने इन टर्मिनेटर बेसिस को, ये वाली बेसिस को नहीं, इन टर्मिनेटर बेसिस को लेबल भी किया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। ये भी क्यों किया है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो टी है फॉर एग्जाम्पल, थायमिन न्यूक्लियोटाइड को हमने रेड से कर दिया, गोनिन न्यूक्लियोटाइड को हमने येलो से कर दिया, न्यूक्लियोटाइड को कर दिया, और साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड को हमने ब्लू से कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो रहा है। To start the sequencing reaction, everything is heated to 96 degrees Celsius. This separates the DNA into two single strands. The temperature is then lowered to 50 degrees. This enables the DNA primers to bind to the plasmid DNA. The temperature is then increased to 60 degrees, and the enzyme DNA polymerase binds to the primer DNA. DNA polymerase starts making a new strand of DNA by adding unlabeled DNA bases to the target DNA. It continues to add DNA bases until a terminator base is added.
These Terminator bases have been chemically altered so that no more bases can be added to the new strand of DNA. Once a Terminator base is added, the DNA polymerase enzyme stops making DNA and falls away from the strand. Everything is then heated to 96 degrees Celsius again to separate the new DNA strand from the original strand. This process of heating and cooling is repeated again and again to produce lots of fragments of DNA of different lengths. The length of each fragment depends on when a terminator base got added. To read the sequence of the DNA, the various fragments are separated by length using a process. अब यहाँ पर आप एक बात नोटिस कीजिएगा, वो ये कि कभी तो ऐसा होगा जैसे ये प्राइमर यहाँ पर अटैच हुआ था, फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस आके अटैच हुई और सेकंड पर टर्मिनेटर आ गया, ठीक है, तो इसकी लेंथ बहुत शॉर्ट होगी। कभी ऐसा होगा कि 6-7 न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगे और उसके बाद एक टर्मिनेटर बेस आकर अटैच हो गया। कभी ऐसा हुआ कि 100 न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगे और 100th न्यूक्लियोटाइड जो था वो टर्मिनेटर था, ठीक है, तो टर्मिनेटर कभी भी आके यहाँ पर अटैच हो सकता है। अब जब भी टर्मिनेटर यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर इसकी रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी। इट मीन्स कि हमें डिफरेंट लेंथ के यहाँ पर ये सेगमेंट्स मिलेंगे, ये सीक्वेंसेस जो है ना ये डिफरेंट लेंथ की मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ईच फ्रैगमेंट डिपेंड्स ऑन व्हेन अ टर्मिनेटर बेस गॉट एडेड। देखो ये थोड़ा लंबा है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, ठीक है, देखो ये छोटा है थोड़ा, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा लॉन्गर है, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग है। ऑफ द डीएनए द वेरियस फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय लेंथ यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब होगी यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और उससे क्या करेंगे आगे वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि नाइट्रोजनस बेसिस आकर अटैच हो रही हैं, सिंपली वही वाला प्रोसेस हो रहा है जो कि एलोंगेशन ऑफ द क्या है वो स्ट्रैंड हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन जहां जहां पर टर्मिनेटर बेस आकर अटैच होगी वहां पर रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाएगी, राइट, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। अब ये देखते हैं कि पहले ये टर्मिनेटर बेस है क्या और साइंटिस्ट ने ये टर्मिनेटर बेसिस यूज क्यों की। एंड एक्चुअल वो न्यूक्लियोटाइड जो साइंटिस्ट ने यूज किया वो ये वाला न्यूक्लियोटाइड है जिसे हम कहेंगे डाइडीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। डाइडीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड क्यों कह रहे हैं? आपको याद होगा कि हमने जब वैसे रेप्लिकेशन पढ़ी होगी डीएनए की, ठीक है, या हमने जब भी देखा होगा कि डीएनए में किस टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो हम उन्हें कहते थे डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट थी यहां पर और यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, ठीक है। अब यहां साइंटिस्ट जो यूज कर रहे हैं ना एज टर्मिनेटर बेस या एज टर्मिनेटर न्यूक्लियोटाइड वो यूज कर रहे हैं डाइडीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि डाई मींस दोनों, यानी कि दोनों ही जगह पर ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब यहां पर एक दफा दोबारा देखते हैं, ये रहा हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, ये बैकबोन है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पर देखो जी न्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ आके सी न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ। सी न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पर जो ओ प्रेजेंट था उसने एच को यहां से रिमूव करवाया, ठीक है, वैलेंसी फ्री हुई, यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच हो गया C के सामने जी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब यहां पर T है, A न्यूक्लियोटाइड ने आना है, यहां पर OH था, ठीक है, OH मौजूद है, बॉन्डिंग O के साथ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, इन लोगों का जो है वो दोस्ती इतनी अच्छी नहीं है। ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल आया, इसने आके बोला हू, ऑक्सीजन ने
हाइड्रोजन को नहीं बचाया, हाइड्रोजन डर गया, इसने चीख मारी आ और भाग गया। जब ये भाग गया तो इसके पास एक वैलेंसी फ्री रह गई। इसने दोस्ती बना ली किसके साथ, इसके साथ, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। इनकी दोस्ती का नाम क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ साथ सामने एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड जाकर अटैच हो रहे हैं वो कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो है डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, जिनमें यहाँ पर एक ऑक्सीजन मौजूद है, एच को रिमूव करवाएगी, अपने साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करवाएगी, बैकबोन फॉर्म होगी और नया स्ट्रैंड फॉर्म होता रहेगा। यहाँ पर साइंटिस्ट ने जो काम किया वो ये कि इन्होंने ये देखो डाई डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यूज किया, जो कि एज टर्मिनेटर एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं। जब यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, डाई डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, इट मीन्स कि ना ये एच यहाँ से रिमूव हो सकता है, ना यहाँ कोई वैलेंसी फ्री होगी, ना ही कोई बैकबोन फॉर्म होगी, ना ही यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, और ना ही कोई नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आकर अटैच हो सकता है। इट मीन्स कि जहां पर भी डाई डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड लगा वहां पर ये टर्मिनेट कर देगा इस स्ट्रैंड की सिंथेसिस को। ठीक है, तो अब ये स्ट्रैंड रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने दो बातें देख ली हैं, एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो कि सिंपली यहाँ पर ऐड करता रहता है न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर कोई टर्मिनेटर आ गया तो वो नहीं कर पाएगा नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है। अब हम ये बात करते हैं कि ये साइंटिस्ट ने यूज क्यों किया यहाँ पर। तो इन एक्चुअली जो मेथड था ना, ये सैंगर अंकल का मेथड था, तो इसलिए इसको हमने कह दिया सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड। इन्होंने क्या किया, वही वाला काम सारा होगा, ठीक है, टेस्ट ट्यूबली, उसमें वो स्ट्रैंड इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी नाइट्रोजन जिसकी जो सीक्वेंस थी हमें मालूम नहीं थी, हमें मालूम करनी थी। ठीक है, हम यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सीक्वेंस मालूम करना चाह रहे हैं ना, तो हमने छोटे छोटे स्ट्रैंड्स जो है वो कट करवाए थे एंडोन्यूक्लियस से अपने डीएनए के, ह्यूमन जीनोम के। ठीक है, और वो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हमने अब क्या करने हैं, उनकी बेस पेयर्स की यानी कि सीक्वेंसेस हमें पता लगानी है। ठीक है, तो अब हमने फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रैंड ले लिया है, वो वाला ये एक स्ट्रैंड है जिसकी हमें अभी सीक्वेंस मालूम नहीं है, हमें इसकी सीक्वेंस को पता लगाना है। हमने ये स्ट्रैंड डाला, इंट्रोड्यूस वो उसमें पोर कर दिया, ठीक है, सॉल्यूशन में वही वाला सारा काम कर रहे हैं। हमने कुछ प्राइमर्स ऐड किए, हमने पॉलीमरेज एंजाइम ऐड किए, हमने नाइट्रोजनस बेसिस ऐड की जो कि इनके सामने आके अटैच होती रहेंगी, ठीक है, और हमने साथ ही टर्मिनेटर्स ऐड किए। ये देखो ये टर्मिनेटर्स है डी डी यानी कि डाई डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, क्यों किया और कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ट्यूब नंबर वन में मैंने लिया अपना यही वाला सेगमेंट, ठीक है, जिसे मुझे रेप्लिकेट करवाना था, ये रहा वो प्राइमर, इसके साथ आके अटैच हो गया। ठीक है, अब क्या काम होगा, एक एक करके इसके सामने इसके न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो यहाँ पर अटैच होते रहेंगे। इस टी के सामने क्या आएगा, यहाँ पर ए, इसके सामने टी, इसके सामने जी। टेस्ट ट्यूब में मैंने जो भी टर्मिनेटर्स ऐड किए थे ना, वो टर्मिनेटर्स थे सिर्फ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, यानी कि ए वाले टर्मिनेटर्स ऐड किए हैं, बाकी सारे सिंपल नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट साइकिल में हुआ ये, इस टी के सामने सिंपल ए लग गया, इसके सामने सिंपल टी, सिंपल जी, सिंपल सी, लेकिन इस टी के सामने आ गया टर्मिनेटर ए, ये वाला, तो मुझे फर्स्ट साइकिल में ये वाला स्टैंड मिला जो कि यहां पर आकर टर्मिनेट हो गया, क्योंकि आगे तो न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो ही नहीं सकते थे। ठीक है, सेकंड साइकिल में फर्स्ट पर ही आकर टर्मिनेटर अटैच हो गया, इसने टर्मिनेट कर दिया इसकी फॉर्मेशन को और आगे की न्यूक्लियोटाइड्स अटैच नहीं हो पाए, मुझे ये मिल गया। थर्ड साइकिल में यहाँ पर सिंपल 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 न्यूक्लियोटाइड्स लगे, ठीक है, लेकिन इस पोजिशन पर आकर मेरा टर्मिनेटर आकर अटैच हो गया। ठीक है,
तो इट मींस कि मुझे टेस्ट ट्यूब वन में ये, अच्छा ये सिर्फ तीन ही होंगे, बहुत सारे होंगे ऐसे, ठीक है, मुझे टेस्ट ट्यूब वन में ये वाले तीन टाइप के, तीन टाइप की लेंथ के फ्रेगमेंट्स मिले, ठीक है, जिनमें टर्मिनेटर्स मैंने क्योंकि सिर्फ ए वाले ही ऐड किए थे तो ए ए पर ही टर्मिनेट हुआ ये, राइट। सेकंड टेस्ट ट्यूब में मैंने जो टर्मिनेटर्स ऐड किए थे वो थे साइटोसिन वाले, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट साइकिल में यहां पर ए टी जी सी ए सी टी टी जी ए टी सब आकर सिंपल अटैच हो गए। लास्ट वाला यहां पर जो सी अटैच हुआ वो टर्मिनेटर आकर अटैच हुआ, मुझे फर्स्ट साइकिल में ये वाली लेंथ का फ्रेगमेंट मिला, ठीक है। सेकेंड साइकिल में यहाँ थर्ड इस वाले उसके ऊपर आकर जी के पास आकर टर्मिनेटर अटैच हो गया, मुझे ये वाली लेंथ का फ्रेगमेंट मिल गया। थर्ड में मुझे ये वाली लेंथ का फ्रेगमेंट मिल गया क्योंकि यहाँ टर्मिनेटर आकर अटैच हो गया, ठीक है। तो अब इन तीन लेंथ के मुझे फ्रेगमेंट्स मिले हैं किसमें, टेस्ट ट्यूब टू में। फिर टेस्ट ट्यूब थ्री में मैंने गॉन न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड किए थे ना वो टर्मिनेटर वाले थे, ठीक है, बाकी सारे सिंपल थे, सिंपल अटैच होते थे, ठीक है। फर्स्ट साइकिल में फॉर एग्जांपल ये सब सिंपल अटैच हुए, ये वाला टर्मिनेटर था तो मुझे इस लेंथ का मिला। सेकंड साइकिल में मुझे एक ये वाला मिल गया। इसी तरह से फोर्थ में मैंने थायमिन यूज किया था एज टर्मिनेटर तो मुझे ये वाले देखो इन लेंथ के स्ट्रैंड्स मिल गए, राइट। अब इन द एंड अगर मैं सारी देखूं गौर से तो देखो मुझे डिफरेंट लेंथ के स्ट्रैंड्स मिले। ये देखो ये सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट ये वाला हुआ क्योंकि इसमें फर्स्ट पे ही टर्मिनेटर लग गया। अब देखते हैं सेकंड पे टर्मिनेटर कहाँ लगा है। ये रहा मिल गया, ये सेकंड बेस पेयर जो है ना वो टर्मिनेटर वाला है। इससे बड़ा फ्रेगमेंट कौन सा है, ये रहा थर्ड वाला। इससे बड़ा फ्रेगमेंट ये रहा, इससे बड़ा फ्रेगमेंट ये रहा, इससे बड़ा फ्रेगमेंट कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो हमें डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स मिले हैं जिनमें छोटे भी हैं और बड़े भी होंगे। अब इन सब को ये जो सारा था ना सॉल्यूशन 1 2 3 4 इन सारे टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशंस को मैंने पोर कर दिया है जेल में, ठीक है, और मैं इनकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने वाली हूँ, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि टर्मिनेटर बेस क्या थी, टर्मिनेटर बेस को यूज करते हुए हमें डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स कैसे मिले, ठीक है। अभी हमें ना ये पता है कि कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस हैं यहाँ पर, ना हमें कुछ और पता है अभी इसके बारे में। यहाँ पर देखते हैं पहले वीडियो, फिर मैं आप लोगों को दोबारा बताती हूँ। ये देखो हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पे देखो इन्होंने क्या यूज किया, कैपिलरी ट्यूब। हमने जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया था वो ट्रे में करवाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैपिलरी में तो हम यही कैपिलरी वाली एग्जांपल ले लेते हैं। इस कैपिलरी में क्या है, अगरोस जेल है जो कि पोरस है, ठीक है, उन पोर्स में से ये न्यूक्लियोटाइड्स के जो सिक्वेंसेज है या हम कह सकते हैं जो फ्रेगमेंट्स है डीएनए के, ये आराम से मूव करके जा सकते हैं। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने की वजह से ये मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव पोल क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। जो शॉर्टर लेंथ के होंगे हमें पता है वो आगे मूव कर रहे होंगे, जो लॉन्गर होंगे वो थोड़ा पीछे होंगे, राइट। तो इट मीन्स के सबसे पहले जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट है वो आगे जाएगा, यानी कि वो वाला जिसमें फर्स्ट टर्मिनेटर बेस लग गई होगी क्योंकि वो सबसे छोटा है, फिर वो वाला गुजरेगा जिसमें सेकंड टर्मिनेटर बेस लग गई होगी वो उससे बड़ा होगा, फिर थर्ड टर्मिनेटर बेस वाला, फोर्थ टर्मिनेटर बेस वाला। तो इससे फायदा क्या होगा अब देखते हैं। अच्छा दूसरा काम हमने क्या किया था, इन टर्मिनेटर बेसिस को हमने कलर से डिफरेंट फ्लोरेसेंट कलर से लेबल भी किया था, तो हमें पता था कि फॉर एग्जाम्पल ए का कलर ग्रीन है, फॉर एग्जाम्पल टी का कलर ब्लू है, ठीक है, येलो है जी का, और सी न्यूक्लियोटाइड का कलर हमने रेड दिया था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक और काम किया हमने, जब ये जेल से गुजर रहे थे ना तो हमने
एक लेजर बीम अप्लाई कर दी। हमने एक कंप्यूटर सिस्टम रखा जिसमें से एक लेजर निकल रही थी। इस लेजर का काम यह है कि ये लाइट डिटेक्ट करेगी। सबसे पहला यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट फ्रेगमेंट जब गुजरा होगा तो उसके टर्मिनेटर बेस का जो भी कलर था वो उसने नोट कर लिया, ग्रीन। फिर क्या गुजरा? ब्लू। फिर क्या गुजरा? येलो। फिर रेड। फिर गुजरो, बड़े स्लो हो गए हो। ब्लू, अब रेड, अब ग्रीन। ठीक है, अच्छा ये जो कलर्स आ रहे हैं ना, हमें नहीं पता, हमें नहीं कंप्यूटर को नहीं पता कि ये कौन सी नाइट्रोजनस बेस है। कंप्यूटर हमें सिर्फ क्या दे रहा है? कलर्स। कंप्यूटर ने कहा सबसे पहले जो गुजरा था वो ग्रीन था, फिर ब्लू, फिर येलो, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, ग्रीन। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हमने किस न्यूक्लियोटाइड को किस कलर से लेबल किया था, राइट? हम क्या करेंगे, हम उन कलर्स के सामने उन नाइट्रोजनस बेसिस के नाम लिख देंगे और कंप्यूटर को वो डेटा दे देंगे। जैसे ही वो डेटा देंगे, कंप्यूटर हमें वो कलर्स इन बेसिस में कन्वर्ट करके दे देगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो सेगमेंट जो हमने अभी एनालाइज किया है उसकी जो सीक्वेंस थी वो क्या, राइट? तो हमने यहाँ पर कलर्स क्यों यूज किए? ताकि हमारा जो डेटाबेस है या जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा जो सिस्टम है, कलर्स डिटेक्ट करके दे हमें। और देखो कलर्स डिटेक्ट करने के बाद ना ऐसा देगा, ये पूरा एक मैप बना के दे देगा कि भाई सबसे पहले फॉर एग्जांपल इस लाइन को देखते हैं, सबसे पहले ये कलर गुजरा, फिर ये गुजरा, फिर ये गुजरा, फिर ये गुजरा, फिर ये गुजरा। फिर हम इस कंप्यूटर को देंगे कि इस कलर का जो मतलब है ना, फॉर एग्जाम्पल रेड का मतलब है एडेनिन, ठीक है, ग्रीन का मतलब है गुआनिन, ठीक है। तो हमने इस तरह से कलर्स को लेटर्स में या फिर नाइट्रोजनस बेसिस के नेम्स में कन्वर्ट करके दे दिया, किसको? कंप्यूटर को। फिर वो कंप्यूटर हमें उसकी सीक्वेंस बताना स्टार्ट कर देगा। ये देखो, पहली जो पीक आई कंप्यूटर में, जो लेजर ने पहली पीक डिटेक्ट की वो कौन सी थी? ब्लैक। ये देखो ब्लैक। फिर सेकंड ग्रीन, फिर थर्ड रेड, फोर्थ रेड, ठीक है। फिर ये तो पढ़ने की आ गई है, राइट? अच्छा, ये कलर्स इस तरह से अपियर होते गए ब्लॉक्स में। कंप्यूटर ने हमें कलर्स दे दिए। फिर हमने कंप्यूटर को ये लेटर्स दे दिए कि इस ब्लैक वाले में जी डाल दो बेटा, ग्रीन वाले में ए डाल दो, रेड वाले में टी डाल दो। उसने उसी तरह से हमें जो है वो फिर ये सारे सीक्वेंसेस शो कर दिए, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चल गया? हमें डीएनए का पूरा सीक्वेंस पता चल गया, यानी कि उस फ्रेगमेंट का जो फ्रेगमेंट हमने उस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट में यूज किया था उसका क्या पता चल गया? बेस पेयर का सीक्वेंस पता चल गया, ठीक है। ये भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये भी हमें कंप्यूटर ने करके दिया, राइट?